नाम बदनाम होने की फिक्र छोड़ दी हमने, अब चर्चे होंगे तो मशहूर भी तो होंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब कोई इंसान आपका नाम सुनता है तो उसके जहन में क्या क्या बातें आती है, आपके बारे में क्या क्या इमेजेस उसके ध्यान में आती है, क्योंकि जब भी हम किसी का नाम सुनते हैं उस पर्सन की कोई ना कोई बातें हमें याद आ ही जाती हैं। तो आपका नाम सुनते लोगों के दिमाग में जहन में क्या आता है? When people hear your name, what do they think? What kind of image of yours emerges in their imagination? कुछ अच्छी बातें होती है इसमें, कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हमें शायद ज्यादा ना पसंद आए, पर ये तो लोगों का नजरिया है, हमें इससे क्या। आइए देखते हैं, जब भी कोई इंसान आपका नाम सुनता है या सुनती है उसके जहन में क्या क्या आपके बारे में आता है, उनके दिल में आपको लेकर कैसी छवि उन्होंने बनाई है उससे वो उनको पता चलता है। तो सबसे पहले आपका नाम सुनते कई लोग एक चीज की भी बहुत एप्रिसिएशन करते हैं कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं पता। बहुत बढ़िया बात है ये कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं पता। फ्रेंड्स, कई लोगों की बातें आप जब सुनते ना, आप देखना जब आप उनसे कुछ भी कहेंगे ना, देखो लाइफ में ये करने से ये होता है, आप कोई भी मशवरा उन्हें देंगे ना तो उनका रिएक्शन क्या होता है, मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ, मुझे तो सब आता है। आपकी खास क्वालिटी जो है ये है, आपको पता है कि जो चीजें मुझे नहीं पता वो मुझे सीखनी है। ये बात किसी के भी जहन में आपका नाम सुनते ही आती है कि ये बंदा बहुत साफ दिल का है, बहुत प्योर है, इसको इसका एटीट्यूड ये नहीं है आई नो एवरीथिंग, आई नो ऑल, मुझे तो आप कोई सलाह दे ही नहीं सकते। आप सबकी सुनते हैं, फिर चाहे आप करते अपनी मन की ही है, ये भी आपकी बहुत बड़ी एक इमेज है लोगों के जहन में कि आप सुनते सबकी है, करते अपनी मन की है, लेकिन सुनते तो हैं। आप किसी को ये बोल के चुप नहीं करा देते कि मुझे सब पता है, ये आपका एटीट्यूड जो है ना कि आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, ये सबको बहुत पसंद आता है। तो आपका नाम सुनते हैं सबसे पहली बात ये लोगों के जहन में आती है जो मुझे नजर आई इन कार्ड्स में। एक आपकी और खास चीज जो लोगों को जहन में आती है कि आप है ना, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी ना आपके सामने तो आप ऐसे रिलैक्स रहेंगे, मतलब जब जिंदगी मौत की बात आती है तो आप रिलैक्स होते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी चीजें आपको बहुत परेशान कर देती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। स्मॉल मैटर्स आर वरीसम फॉर यू एंड बिग इश्यूज यू फील यू कैन हैंडल इजिली। और ये लोगों को बहुत ही अचंभित करता है, बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है कि ये बंदा या बंदी ऐसी क्यों है या ऐसा क्यों है। बड़ी बड़ी बातों से इसे डर नहीं लगता, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना ये फट से कर लेते हैं, लेकिन एक कॉकरोच देखेंगे तो आप डर जाएंगे, एक छिपकली देखेंगे तो आप शायद डर जाएंगे, और छोटी छोटी चीजों से आपको चिंता होती है। ये आपकी खास इमेज लोगों के माइंड में आती है जैसे ही वो आपका नाम सुनते हैं। बहुत उम्दा बात है ये आपके बारे में कि बड़ी बातों से आपको डर नहीं लगता, लेकिन छोटी छोटी बातों से आप जल्दी फिक्रमंद हो जाते हैं, मतलब आप डे टू डे इश्यूज को थोड़ा आप उस पर टेंस हो जाते हैं, लेकिन जो आप बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं फटाफट आप उसका सॉल्यूशन खुद के लिए भी ले आते हैं, औरों को भी गाइड कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो आपकी बहुत अच्छी बात है कि जो आपका नाम सुनते लोगों के ध्यान में आता है कि आप जो लोग चालाक हैं, जो लोग मतलब आप बहुत आप भी शातिर दिमाग वाले हैं, ये बात तो मैं जरूर कहूंगी, आपका दिमाग भी बहुत तेज है, थोड़ा शैतान है, और शैतान में नेगेटिव सेंस में भी कह रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ कि आपको बेवकूफ बनाना तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। किसी ने अगर आपको दगा देने की कोशिश की, आपको कुछ उल्टा सीधा बोला, तो आपकी जो सबसे पहली इमेज लोगों के माइंड में आती है, यू आर टिट फॉर टैट पर्सन, जैसे कि तैसे, जिसने जब जो कहा उसको वही उसका जवाब मिल जाना चाहिए। आप किसी को बख्शते नहीं है अगर कोई आपको छेड़ता है।
आप सामने से किसी को छेड़ते नहीं, और अगर आपको कोई छेड़ता है तो आप उसे छोड़ते नहीं। ये भी आपकी बहुत ही जबरदस्त इमेज है लोगों की नजर में। क्या आपको कोई अगर बेवकूफ बनाना चाहे, आपके साथ कोई ऐसी मौकरी करे, आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपके खिलाफ बोले, तो आप वो मौका नहीं छोड़ेंगे उसको सबक सिखाने का। ये आपकी बहुत ही स्ट्रिक्ट इमेज है लोगों के बीच में। कुछ लोगों का ये मानना है, आपका नाम सुनते ही जो उसके जहन में बात आती है, कि आप थोड़े डिफेंसिव ज्यादा हैं। मतलब आप बहुत जल्दी बोलते ना, एक रिएक्टिव हैं आप, थोड़े ज्यादा रिएक्टिव हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। और शायद आप रिएक्टिव हैं इसीलिए आप किसी को आसानी से छोड़ते भी नहीं है। मतलब किसी ने आपको जहां उल्टा बोला, आप क्योंकि बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, आप इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है, लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने बहुत ही इनोसेंटली आपके साथ कोई मजाक किया होता है, लेकिन आप उसे थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और आपका जो रिएक्शन है थोड़ा कड़वा हो जाता है उन लोगों के लिए। ऐसा कई लोगों का मानना है, उनके दिमाग में आपकी ये इमेज क्रिएट होती है आपका नाम सुनकर, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इमेज उन्होंने, छवि अपने दिमाग में अंकित की होती है, और आपका नाम सुनते ही ये बातें उनके ख्याल में आ जाती हैं। फैमिली लविंग पर्सन आप बहुत ज्यादा है, अपने परिवार को, अपने लोगों को, जिन्हें आप चाहते हैं, जिसे आप अपना परिवार मानते हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहूंगी, परिवार का मतलब यही नहीं है जिनका आपसे खून का ही रिश्ता है, लेकिन जिनको भी आपने दोस्त या परिवार मान लिया, उनके लिए आप कुछ भी कर गुजरेंगे। उनके लिए आप बहुत ही ज्यादा पजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। ये भी आपके बारे में लोगों के जहन में बात आती है। एक्शन लेने में आप जरा भी देर नहीं करते। अगर आपको लगता ना ये सिचुएशन कॉल्स फॉर एन एक्शन, तो बोलते ना एक एनालिसिस इतना करते हैं कि पैरालिसिस हो जाता है उस पर्सन को, इतना एनालाइज करते हैं कई लोग कई सिचुएशन को, ऐसे करूं वैसे करूं, ऐसे ना करूं वैसे ना करूं, चलो ये करके देखता हूं वो कर, मतलब इतना सोचते हैं किसी भी सिचुएशन को, इतना एनालाइज करते हैं कि वो कुछ एक्शन ले ही नहीं पाते। और आपकी इमेज ये है कि आपने अगर सोच लिया ना कि मुझे ये एक्शन लेना है, आप लेके ही रहेंगे, चेंज लाकर ही रहते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि चेंज लाना है, मैंने कहा ना जहां बड़े बड़े मसले होते हैं ना, वहां आप एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं, आप जरा भी नहीं सोचते, और जहां छोटी छोटी मामूली बातें हैं आप थोड़े चिंतित वहां हो जाते हैं। अब ये आपका प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है, ये तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन लोगों के जहन में ये चीज आती है आपका नाम सुनते ही, कि आप बड़े मसलों से नहीं डरते लेकिन छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जहां बड़े मसले हैं वहां तो आपने बिल्कुल सोचना नहीं, इमीडिएट चेंजेस या इमीडिएट एक्शन आप बहुत ही लीडरशिप के साथ ले लेते हैं, और लोगों को ये चीज आपकी बहुत ज्यादा पसंद भी है, और शायद इसलिए लोग आपसे बहुत ही अट्रैक्ट भी होते हैं। तो आपके नाम के साथ ये चीजें जुड़ी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे को तैसा है आपके नेचर में। और फिर क्या आपको सीखना है, ये जो चीज है ना आपके अंदर बहुत ही उम्दा है, बहुत ही लाजवाब है, मुझे सब पता है और आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, ऐसे एटीट्यूड में आप नहीं रहते। ये आपकी बहुत बड़ी मतलब मिसाल देते हैं लोग आपके बारे में जब बात करते हैं कि आपकी ये क्वालिटीज बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी तो मैंने आपको सब बताया ही है कि आप उनको छोड़ते नहीं है जो आपके साथ मक्कारी करते हैं, और अपने यारों के यार दुश्मनों के दुश्मन, इन शॉर्ट मैं कहूंगी यही सही लाइन है आपकी, यारों के यार हैं और दुश्मनों के बड़े दुश्मन हैं आप। आइए देखते हैं इसके अलावा आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है इसमें भी पता चलेगा, जो मैसेजेस इसमें आएंगे। यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, रिजॉइस। लोगों का ये भी कहना है कि आप गॉड के पसंदीदा बच्चे हैं, आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबानियां कुदरत की हैं, और ये बात करते लोगों को आपसे जेलसी नहीं होती, खुशी होती, क्योंकि ये वो लोग कहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। जेमिनी वर्गो 1921 जनवरी आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये आप गॉड के बहुत ही अनमोल रत्न हैं। व्हाट हैपेंस इज फॉर योर गुड। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है अभी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो फिकर मत करिए, वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। 1345 आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। रात भर जाए ना घर, कोई आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की
सोचते हैं, उनको लगता है आप काश पूरी रात उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो भी कम है, दिन भर तो शायद वो आपके आसपास रहते होंगे, रात भर भी आपसे जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। 37, 14 और अप्रैल आपकी लाइफ के या इस पर्सन की लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो रात भर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। समवन क्रशेस ओवर योर आईज, किसी को आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे ऐसा एक फीलिंग आई है कि मेरे काफी व्यूअर्स जो है इसमें से उनकी आईज शायद लाइट ब्राउन, ग्रीन या ब्लूइश या ग्रेइश टोन में होगी। ऑफकोर्स ब्लैक भी है, वो भी लोगों को पसंद है, लेकिन आपकी आईज थोड़ी लाइट शेड की है ऐसा मुझे फील हुआ 9 नंबर आने की वजह से। तो 1944 9 आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या उस पर्सन की जिसको आपकी आंखों का रंग बहुत पसंद है। मेरे कई व्यूअर्स को इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले होंगे, कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये बात आपसे रिजोनेट हुई है या नहीं। अ वेरी गुड ऑफर इज कमिंग, आपकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया ऑफर बहुत जल्दी आने वाला है जो आपकी लाइफ में और भी तरक्की के चांसेस लाएगा। नवंबर सितंबर आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। दे वॉन्ट यू टू बी अनहैप्पी बट यू आर अंडर डिवाइन ब्लेसिंग्स, कोई है जो आपको नाखुश देखना चाहते हैं। जब लोगों को आपकी इतनी सारी क्वालिटीज अच्छी लगती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो जो लोग जलते हैं वो चाहते हैं क्यों आपके बारे में इतनी बातें होती, आप क्यों इतने मशहूर है, वो क्यों आपकी तरह मशहूर नहीं है, तो वो चाहते हैं आप ना खुश रहें। लेकिन क्योंकि आप पर डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मंडे एंड थर्सडे आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, या उनकी लाइफ के जो आपका बुरा चाहते हैं, आपको उदास देखना चाहते हैं। डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, वो करो जो आपको खुश करे, ये बहुत जरूरी है, ये मैसेज है आपके लिए। आप वो नहीं कर रहे जो आपको खुश करता है, आप ज्यादा टाइम वही कर रहे हैं जो औरों को खुश करता है, खासतौर वो लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी खुद के साथ ज्यादती मत करें, ये मैसेज है आपके लिए। 15 वेडनेसडे 28 आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के फुल चांसेस हैं। ही शी इज मैनिफेस्टिंग यू, कोई बंदा या बंदी है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, फिर चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड। सैटरडे 15, 50, 55 कोई आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म हो सकते हैं या और पर्सन की जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जिसने आपको परेशान किया अब उसकी बारी है, जिसने भी आपको किसी भी वजह से तंग किया है ना लाइफ में, आपके लिए मैसेज है अब उसकी बारी है कि वो ऐसी तंगी से गुजरेंगे कि उसे अपनी नानी दादी सब याद आ जाएंगे। 9, 13, 21, 29 संडे आपकी लाइफ के या उस पर्सन की लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सम गुड न्यूज इज कमिंग सून, आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया न्यूज बहुत जल्द आने वाली है जो आपको आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगी। ट्यूजडे संडे आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के फुल चांसेस हैं। ये सॉन्ग है इसको जाना। उनको आपसे आंख मिलाने में शर्म आ रही है, किसी पर्सन को आपसे नजरें मिलाने में शर्म आ रही है, हो सकता है उसने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, इस बात का रियलाइजेशन अब इस पर्सन को होने लगा है और इसकी वजह से उन्हें शर्म आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए अगर ऐसा कुछ किया है जो सही नहीं है। आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही है, कुछ लोग हैं वो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। जब आप मशहूर होते हैं, आपका नाम होता है, लोग आपके बारे में इतनी चर्चा करते हैं, तो कई लोगों को जलन होती है और आपके खिलाफ कोई ना कोई मुहिम चलाते रहते हैं। करने दे उन्हें, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अक्टूबर 18 सैटरडे आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या उन लोगों की जो आपके खिलाफ प्लानिंग्स करते रहते हैं। एक दो कार्ड और निकालते हैं। चैंटिंग मंत्रस अगेंस्ट यू, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, कुछ लोग आपके खिलाफ तंत्र मंत्र बोलते हैं, करते हैं, ताकि आपकी लाइफ में जो आपका इतना नाम है, आप इतने मशहूर हैं, लोग आपके बारे में इतनी चर्चा करते हैं, वो ना करें। लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मस्ती में मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जुलाई सितंबर आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या उन पर्सन की जो आपके खिलाफ मंत्र की चैंटिंग्स करते हैं। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस, आपके विरोधी, आपके दुश्मन, उनको आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है,
9:30 to 41 आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है या उन लोगों की जो आपके ओपोनेंट्स हैं या आपके विरोधी है। तो फ्रेंड्स यहाँ रीडिंग होती है कंप्लीट, कमेंट्स में जरूर मेंशन करना आपकी कौन सी क्वालिटीज इसमें मैच हुई है, लोग आपके बारे में कौन सी चर्चा सबसे ज्यादा करते हैं, ये डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का एफर्मेशन रहेगा, आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग सच अ बिग नेम, मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का या ऊपर वाले की कि मेरा नाम इतना मशहूर है लोगों में। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस एनर्जी या आई क्लेम दिस रीडिंग या फिर एक छोटा सा यस, और आप देखेंगे आपके नाम के चर्चे और भी मशहूर हो जाएंगे और वो भी आपके अच्छे के लिए। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग होती है कंप्लीट, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।